फ्रेंड्स, ये है इसके गुड रेसिपीज और मैं हूँ आपकी शेफ सुनीता खंडेला। फ्रेंड्स, आलू लगभग हम सभी को बहुत पसंद होते हैं और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आलू से बनने वाले कटलेट्स की रेसिपी। तो देर किस बात की, चलिए जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। इन स्पेशल कटलेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले 4 से 5 उबले हुए आलूओं को हाथ से इस तरह से मैश कर लेंगे। अब ये ले लिए हैं हमने 4 से 5 ब्रेड्स, जिनकी किनारियां अलग कर लिए। इन ब्रेड्स को हथेलियों से मैश करते हुए चूरा करेंगे और आलूओं पर डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे नमक हम हमारे स्वाद के हिसाब से और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 बाउल बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन सभी को अच्छी तरह से मैश करते हुए मिला लेंगे। इसे आप डो की तरह खट्टा कर लेंगे। थोड़ा सा तेल डालकर इसके चारों तरफ लगा लेंगे। अब एक साइज में लोई की तरह तोड़ लेंगे। इसके बाद हथेली में रखकर मन चाहे शेप में कटलेट्स तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ इन्हें लीफ के शेप में बना रही हूँ। इसी तरह से हम सभी कटलेट्स को शेप कर लेंगे। देखिए, इसकी थिकनेस हमें इतनी रखनी होती है। फ्रेंड्स, शेप देते समय ध्यान रखना है कि इसमें कहीं भी क्रेक्स ना रहे, अदरवाइज तलते समय ये टूट जाएंगे। तो अब बारी है इन्हें तलने की। गैस ऑन करके इस पर रखेंगे तेल की एक कढ़ाई। तेल को हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हथेली से चेक करेंगे। इस तरह से चेक करने से इसकी गर्माहट से हम जज कर सकते हैं कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, फ्लेम रखी हुई है हमने मीडियम टू हाई। अब एक एक करके इसमें कटलेट्स को डालेंगे। एक बार में हम 4 से 5 कटलेट्स ही डालेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इस समय हमें इन्हें बिल्कुल नहीं पलटना है। कटलेट्स काफी नाजुक होते हैं, इन्हें केयरफुली तलना होता है, अदरवाइज ये फूट जाएंगे और तेल पूरा खराब हो जाएगा, साथ ही हमारे कटलेट्स में भी तेल भर जाएगा। आप देख रहे हैं, इस पर अभी काफी सारे बबल्स दिख रहे हैं। 1 से 1.5 मिनट तक इसे बिल्कुल नहीं पलटेंगे। 1-2 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख रहे होंगे कि इसकी सतह पर बबल्स भी काफी कम हो गए और हल्का सा ब्राउन कलर भी दिखने लगा है। अब तुरंत ही गैस का फ्लेम लो कर देंगे और एक झारी से हल्के हाथों से इन्हें पलटेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक 1-2 बार पलटते हुए इसे तल लेंगे। देखिए, ये परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं हम एक टिश्यू पेपर पर। इसी तरह से दूसरा कटलेट्स का बैच भी तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे क्रिस्पी क्रंची कटलेट्स दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर मेहमान आ रहे हों तो इसकी प्लेटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले एक ट्रे में छोटे छोटे ग्लासेस लेंगे, उनमें अल्टरनेट ग्लास में सॉस भर लेंगे। और अल्टरनेट ग्लास में चटनी भरेंगे। आपके पास छोटे ग्लास ना हो तो आप इसकी जगह छोटे छोटे बाउल यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर इस तरह से कटलेट्स रखेंगे। देखिए, ओवरऑल ये देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है ना, ये एकदम 5-स्टार होटल वाला प्रेजेंटेशन। तो देर किस बात की है, आप भी ट्राई कीजिए ये कटलेट्स और इन्हें प्रेजेंट करने का ये तरीका, और मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।